हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि जो शैवाल होता है इसका मतलब क्या है। सी बीट्स मतलब समुद्री खरपतवार, ठीक है। तो जो शैवाल है, ठीक है, जो एल्गी है, ये हमारे पृथ्वी पर जो है पाया जाने वाला सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, मतलब सबसे सरल प्रथम पौधा कौन है, शैवाल है, ठीक है। ये आप जानते हो कि ये अगर ये प्लांट है तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो आप कह सकते हो कि जो शैवाल है ये क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर हैलोफाइट प्लांट, ठीक है। तो जो हमारा शैवाल है ये क्या है, क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिलियु, नॉन वैस्कुलर मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहां पर जो जाइलम होगा और फ्लोएम जो होता है अब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, मतलब जल भोजन खनिज को संवहन करने के लिए एक विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं या संवहन ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर जो शैवाल होता है उनमें क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब क्लोरोफिल प्लांट्स होते हैं बट नॉन वैस्कुलर होते हैं। नॉन वैस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम जो है नहीं पाया जाता है। थैलोफाइट्स का मतलब ये होता है, मतलब इनका जो बॉडी होगा, जो शरीर होता है वो थैलस के रूप में होता है, थैलस मीन्स ना इसमें रूट होता है ना इसमें स्टेम होता है और ना ही इसमें लीफ होता है, मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जिनमें ना तो रूट प्रेजेंट होगा ना स्टेम प्रेजेंट होता है और ना ही पत्ती, मतलब नो डिफरेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ। तो ऐसे प्लांट बॉडी को कौन से लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। फाइट्स मीन्स होता है प्लांट, तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है थैलस के रूप में होता है, तो ऐसे प्लांट हम सब क्या बोलते हैं, थैलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। क्या बोलेंगे, थैलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। और यहाँ पर उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, जो जननांग होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। और यहाँ पर इनके चारों तरफ जैकेट लेयर क्या होता है, अब्सेंट होता है। वाल चोल जो होगा यहाँ पर अनुपस्थित होता है, ठीक है। मतलब जो जननांग होंगे एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्राफाइट प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे जो जननांग होगा बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके चारों तरफ जैकेट लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब जननांग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उसको हम सब लोग क्या बोलते हैं, जैकेट लेयर बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जैकेट लेयर अब्सेंट होता है, जैकेट लेयर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होंगे और जैकेट लेयर अब्सेंट होता है यहाँ पे। आलू शुक्ला जी के पास जाओगे सिग्नेचर करेंगे, ठीक। अब जो हम बात करेंगे फादर ऑफ या स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों के अध्ययन को हम सब लोग क्या कहते हैं, फादर स्टडी ऑफ एल्गी एल्गोलॉजी कहते हैं,
हाइपोलोजी कहते हैं। हिंदी नाम दिया जाता है शैवाल विज्ञान। तो शैवालों के अध्ययन को स्टडी ऑफ एल्गी को हम सब लोग क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी कहेंगे या हाइपोलॉजी कहते हैं। अब एक नाम और आपको याद करना है, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं फ्रिट्ज को, FRITCH, फ्रिट्ज FRITS, फ्रिट्ज कौन सा, तो क्या कहते हैं शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, तो ये है ओपी एंगर। कौन है, ओपी एंगर, MOP एंगर को कहा जाता है। ठीक, तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो शैवाल होते हैं, ठीक है, जो एल्गी है एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, मतलब सिंपलेस्ट प्लांट होता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आप जानते हो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो स्वयं भोजन बना सकते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होती है। ठीक है, फिर नॉन वैस्कुलर होती है, मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, और थैलोफाइट्स होते हैं, मतलब इनका प्लांट बॉडी जो होगा वो थैलस के रूप में होगा, मीन्स रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट होता है। इनके जो जननांग होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, और जैकेट लेयर ये मतलब बायोफिल यहाँ पर एब्सेंट होता है। फिर भोजन जो होगा, आप जानते हो कि अगर प्लांट है तो प्लांट में जो भोजन होता है फूड मटेरियल किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक, और कुछ टर्म है साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखना है, कि पूछा जाता है कि शैवाल विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सब लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी कहते हैं या फाइटोलॉजी कहेंगे, हिंदी जानते हो शैवाल विज्ञान कहते हैं। पूछा जाए इसके जनक कौन है, तो आप नाम देंगे फ्रिट्ज को, हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक ओएमपी एंगर को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हैबिटेट देखते हैं, ये जो है वास स्थान, हैबिटेट मींस वास स्थान, वास स्थान। तो हैबिटेट का मतलब ये होता है जो प्राकृतिक घर होता है उसी को हम सब लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट्स कहते हैं, या हिंदी में क्या कहा जाता है, वास स्थान। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो एल्गी होती हैं, एल्गी को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन आवश्यक होता है, एक बेड का मतलब नमी की आवश्यकता होती है, प्लस लाइट की आवश्यकता होती है। जहां पर नम स्थान होगा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उसको मिलेगा तो उस जगह पर जो है या उस प्लेस पर शैवाल ग्रो करती है या पाया जाती है।
ठीक है, लेकिन मोस्टली जो शैवाल होती है वो जल में पाया जाती है। कहाँ पे पाया जाती है? अधिकांश जो शैवाल होंगे या उनका जो वास स्थान होता है वो एक्वाटिक होता है। क्या होती है? एक्वाटिक होती है। एक्वाटिक मतलब जलीय होती है, ठीक है। जो शैवाल होंगे एक्वाटिक होती मींस जल में पाई जाती। अब किस प्रकार के जल होगा? वो फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, ठीक है, और मैराइन वाटर। मैराइन वाटर समुद्री जल, मतलब जो शैवाल होंगे जलीय होते हैं। किस प्रकार के जल में पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल कहने का मतलब उसमें सार की मात्रा अब्सेंट होगी और नॉन पॉल्यूटेड होंगे, मतलब प्रदूषित जल नहीं होगा। और मैराइन का मतलब जिसमें सार की मात्रा या लवण की मात्रा पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? मैराइन वाटर, मतलब समुद्र में, समुद्र का जल है तो समुद्र में पाया जाता है। जो शैवाल सुन क्या कहेंगे? मैराइन एलगी कहती है। तो हैबिटेट क्या हो गया? फ्रेश वाटर। और कुछ शैवाल जो होते हैं, बहुत सारे शैवाल हैं जो अस्था मतलब स्थल में पाए जाते हैं, टेरिस्टियल होते हैं। बहुत सारे जो है शैवाल, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो क्या करते हैं? एसोसिएशन, ठीक है, एल्गी जो होता है वो फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाता है, एक एसोसिएशन बना लेता है, उसको हम सब लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या नाम देंगे? लाइकेन कहते हैं। बहुत सारे जो एल्गी हैं वो क्या करते हैं? फंजाई के साथ एक सहजीवी जीवन स्थापित कर लेते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं, संबंध बना लेते हैं। ऐसे एसोसिएशन को, संबंध को या रिलेशन को हम सब लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलते हैं। कुछ बहुत सारे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, उसके बॉडी में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे एल्गी जो होते हैं वो प्लांट्स के शाखाओं पर पाए जाते हैं। बहुत सारे एल्गी जो है एयर में पाए जाते हैं, बर्फ पे पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब जहां पे उनको हमने क्या कहा, जहां पे नमी होगी, लाइट पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, वहां पर ये एल्गी प्रेजेंट हो सकती हैं। बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं कि इनसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, मतलब शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसे आप नाम देते हो इंडो पैरासाइट्स। जैसे एक प्लांट है साइकस, साइकस के रूप जो है रूट में बहुत सारे एल्गी या नॉस्टाक एल्गी पाई जाती है। जब इन्हें अभी हमने कहा कि जो साइनोफाइसियन एल्गी है उसको जो है सब लोग ट्रू एल्गी नहीं मानते, मतलब वो एल्गी उसको आप नहीं कहते हो। बहुत सारे एल्गी हैं जो इंडो पैरासाइट होते हैं, बहुत सारे एल्गी जो है एक्जो पैरासाइट होते हैं, मतलब शरीर के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है इनका, बॉडी जो थैलस है, अगर हम बात करें इसका थैलस, तो हमने कहा कि ये जो प्लांट बॉडी है यहां पर ना तो रूट होता है, ना ही लीफ होता है, और ना ही स्टेम होता है। ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? थैलस। अब जो इनकी साइज होती है, जो साइज है वेरिएबल होती है, मतलब इनमें इनके आकार में बहुत सारे विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो शैवाल है यूनिसेलुलर होती है,
यूनिसेलर होती और मल्टीसेलर भी होती। कहने का मतलब उनका शरीर जो है एक सेल से बना होगा और मल्टीसेलर मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे यूनिसेलर में क्लोरेला, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें यूनिसेलर में तो आ जाएगा आपका क्लोरेला, क्लोरेला। मल्टीसेलर में क्या होते हैं बहुत सारे कॉलोनियल, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। फिलामेंटस धागे के समान होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस होते हैं। जैसे कॉलोनियल में वालवाक्स, वालवाक्स आता है जो है फिलामेंटस। यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स और स्पायरो गायरा, ठीक है। तो ये हो गया इनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस के रूप में होती है। थैलस मीन्स आप जानते हो कि रूट स्टेम और लीफ में विभेद नहीं होगा। साइज जो होते हैं बहुत अधिक हाईली वेरिएबल होते हैं, मतलब आकार जो माप होगा इनका बहुत डिफरेंशिएट करता है। और ये यूनिसेलर होंगे मतलब एक कोश की होती है और मल्टीसेलर होती है। एक कोश की सेवाल जैसे हमने कहा क्लोरेला, ठीक है। मल्टीसेलर में मतलब वो समूह में पाए जाती है, जैसे वालवाक्स हो गया, फिलामेंटस मतलब सूत्र के रूप में होंगे, जैसे यूरोथ्रिक्स और स्पायरो गायरा हो गया, ठीक है। कुछ क्या होते हैं बहुत विशाल का बॉडी होती है जिसे कहते हैं मैसिव बॉडी कहा जाता है, मैसिव बॉडी कहा जाता है, मतलब विशाल काय, ठीक है, बहुत विशाल काय होती है, ठीक है। जैसे क्लेप्स, ठीक है, जैसे क्या हो गया क्लेप्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम जो बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक तो आप कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या आती है तो हमारे, आप जानते हो मेरा जो नंबर है पर्सनल नंबर है 95 54 48 25 94, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो या यूट्यूब पे जो है जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।